नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में लगातार कई कंपनियां पांचों राज्यों का ओपिनियन पोल जारी कर रही हैं। हालांकि सभी कंपनियों का फोकस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर 9 बड़ी कंपनियों का एक ताजा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं और 59 सीटें जिस पार्टी को मिलती हैं, वो पंजाब में सरकार बना लेगा। यानी बहुमत का आंकड़ा 59 सीटों का है। अब जो नया उन 9 कंपनियों का ओपिनियन पोल पंजाब को लेकर सामने आया है, उनके आंकड़े क्या कहते हैं, एक एक कर आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पंजाब में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर से वापसी होगी, या आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी बड़ा उलटफेर करने में सफल हो जाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले इंडिया अहेड ETG के आंकड़ों की माने तो 117 में से कांग्रेस को 40 से 44 सीटें मिल सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी को 59 से 64 सीटें मिल सकती है। अकाली दल के खाते में 8 से 11 सीटें जा सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 1 से 2 सीटें जाने का अनुमान है। हालांकि ETG के सर्वे में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। DB Live के आंकड़ों के मुताबिक 117 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 68 से 70 सीटें मिल सकती है। यानी कि DB Live के मुताबिक कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। वहीं 117 में से DB Live के मुताबिक आम आदमी पार्टी खाते में 26 से 28 सीटें जा सकती हैं, अकाली दल के खाते में 13 से 15 सीटें जा सकती हैं और भाजपा के खाते में 4 से 6 सीटें जा सकती हैं। टाइम्स नाउ के मुताबिक 117 में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 41 से 47 सीटें जा सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी खाते में 54 से 58 सीटें जा सकती हैं। वहीं अकाली दल के खाते में 11 से 15 सीटें जा सकती हैं, जबकि भाजपा को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं इंडिया न्यूज जन की बात की माने तो 117 में से कांग्रेस को 32 से 42 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 58 से 65 सीटें मिल सकती हैं, अकाली दल को 15 से 18 सीटें मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। इसी तरह सी वोटर की बात करें तो सी वोटर के मुताबिक 117 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 37 से 43 सीटें जा सकती हैं, वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 52 से 58 सीटें जा सकती हैं, अकाली दल के खाते में 17 से 23 सीटें जाने की बात कही जा रही है, वहीं भाजपा के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं जी डिजाइन बॉक्स के मुताबिक कुल 117 सीटों में से 35 से 38 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी को भी 36 से 39 सीटें मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं अकाली दल के खाते में 32 से 35 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर यानी जी डिजाइन बॉक्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर ही रहेगी। भाजपा के खाते में 4 से 7 सीटें जाने की बात कही जा रही है। वहीं रिपब्लिक पी मार्क के मुताबिक 117 सीटों में से कांग्रेस को 42 से 48 सीटें मिल सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 50 से 56 सीटें जा सकती हैं। अकाली दल की बात करें तो अकाली दल के खाते में 13 से 17 सीटें जा सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 से 3 सीटें ही जाने के अनुमान है। वहीं पोल स्टार न्यूज एक्स के मुताबिक 117 में से 40 से 45 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 47 से 52 सीटें जा सकती हैं, वहीं अकाली दल के खाते में 22 से 26 सीटें जा सकती हैं और BJP के खाते में 1 से 2 सीट जा सकती हैं। वहीं पोल्स ऑफ पोल्स का आंकड़ा देखें तो कुल 117 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 42 से 47 सीटें जा सकती हैं, जबकि
आम आदमी पार्टी के खाते में 48 से 52 सीटें जा सकती हैं, अकाली दल के खाते में 16 से 20 सीटें जा सकती हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 से 3 सीटें ही जाने की अनुमान लगाए गए हैं। बहरहाल इन सभी सर्वे के मुताबिक, सिर्फ डीबी लाइव के मुताबिक, पंजाब में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आती हुई दिख रही है। यानी डीबी लाइव के मुताबिक 68 से 70 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी सेकेंड नंबर पर रह सकती है। लेकिन डीबी लाइव को छोड़कर बाकी सभी कंपनियां आम आदमी पार्टी को ही आगे दिखा रही हैं। हालांकि सभी के आंकड़ों का एवरेज ले तो पंजाब में त्रिशंकु विधानसभा की उम्मीद है। यानी इनके मुताबिक किसी एक पार्टी के दम पर पंजाब में सरकार बनाना मुश्किल हो सकता है। गठबंधन के बाद ही पंजाब में सरकार बनने की उम्मीद इन सभी ओपिनियन पोल के मुताबिक बताया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों की बात करें तो उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। हालांकि कई सर्वे में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि 2017 के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तराखंड में भी सीटों का बड़ा नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको बता दें, उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए, यानी बहुमत का आंकड़ा 36 सीटों का है। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक उत्तराखंड के 70 सीटों में से भाजपा को 31 से 37 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 30 से 36 सीटें जा सकती हैं, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया हेड ईटीजी के मुताबिक 70 सीटों में से भाजपा के खाते में 46 से 50 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 16 से 20 सीटें जाने का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 1 से 3 सीट जा सकती है। यानी कि इंडिया हेड ईटीजी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को जो 36 का बहुमत का आंकड़ा है उससे ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि 46 से 50 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। और रिपब्लिक पी मार्क के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटों में से 36 से 42 सीटें मिलने के अनुमान है। वहीं कांग्रेस के खाते में 25 से 31 सीटें जा सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 0 से 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं न्यूज एक्स पोल्स स्टार्ट के मुताबिक 70 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 36 से 41 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 25 से 30 सीटें जाने के अनुमान है। आम आदमी पार्टी खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं जीडीएन बॉक्स के मुताबिक उत्तराखंड के 70 सीटों में से भाजपा के खाते में 31 से 35 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 33 से 37 सीटें जा सकती हैं। यानी कि जीडीएन बॉक्स के मुताबिक यहां पर भारतीय जनता पार्टी से आगे कांग्रेस निकलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कांटे का मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 0 से 2 सीट जा सकती है। वहीं इंडिया न्यूज जन की बात के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 70 में से 34 से 38 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के खाते में 24 से 33 सीटें जा सकती है और आम आदमी पार्टी खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। हालांकि आपके क्या ओपिनियन पोल है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।